हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे चाइनीज सुपर लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा हैनान और शंघाई पोर्ट के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम्स का हर एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, हैनान चाइनीज सुपर लीग में फिलहाल के टाइम पर थर्ड पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें शंघाई पोर्ट फिलहाल के टाइम पर नाइन्थ पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए हैनान को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अपने से हल्की टीम के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेल देती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं हैनान को फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से हैनान ने अभी तक इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं किया और ना ही कोई मैच ड्रॉ खेला, बल्कि 5 के 5 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी हैनान इस टीम के सामने मैच खेली है, मैच को लॉस ही की है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूँ कि शंघाई पोर्ट एक बेहतरीन टीम है चाइनीज सुपर लीग की, लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो इस टीम का प्लेयर है ना, वो अदर्स लीग में खेल रहे हैं। ये टीम उन प्लेयर्स की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है मैच को विन करने में। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को शंघाई पोर्ट इसी टीम के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई, और उससे भी मुकाबला शंघाई ने सारे के सारे, आप देख सकते हो, सारे के सारे मैच में शंघाई ने ही विन किया है, और एक मैच में ही शंघाई ने इस टीम के सामने क्लीन शीट रखा। वरना हैनान इस टीम के सामने जब भी खेलती है गोल तो स्कोर कर ही देती है और डिफेंस से भी गोल कंसीड कर देती है। अब बात आती है इन दोनों टीम जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, हैनान ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 2 मैच विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला और 3 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली इस टीम का देखा जाए तो 50-50 देखने को मिलता है अटैक से भी और डिफेंस से भी। अब बात करें जो पिछला मैच हैनान तियाजिन के सामने 1-0 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे भी मुकाबले गोंगझो एफसी के सामने 2-1 से मैच को विन किए, और एक मैच इस टीम ने वुहान एफसी के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेला, और उससे पिछले 2 मैच में इस टीम ने लॉस किया और एक भी गोल स्कोर नहीं किया, बल्कि डिफेंस से गोल कंसीड किया है, और उसे मुकाबले बीजिंग गुआन के सामने टीम 3-0 से मैच को विन भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, 3 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं जिनमें एक भी गोल स्कोर नहीं किया, बल्कि डिफेंस से गोल कंसीड किया। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का डिफेंस तो डाउन है, और 3 मैच इस टीम ने ऐसे खेले जिस मैच में 2 विन करे हैं, 1 ड्रॉ खेला, और प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है, और डिफेंस से भी कहने के उन मैचेस में भी इस टीम ने गोल कंसीड किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टीम का जो डिफेंस है वो गोल कंसीड कर देता है, और अटैकिंग वाइज भी परफॉर्मेंस इसका कहीं ना कहीं आ जाता है। अब बात आती है शंघाई पोर्ट के जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग। तो गई शंघाई पोर्ट ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 2 मैच विन करें, 3 मैच ड्रॉ खेले, सिर्फ 1 मैच लॉस किया। अटैक से 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर शंघाई पोर्ट के रिसेंटली देखे जाए तो काफ़ी शानदार है। अटैक तो इस टीम का एक एवरेज है, कभी कभी तो गोल तक नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी गोल आराम से कर देती है, और डिफेंस इसका काफ़ी मजबूत दिखने को मिलता है, क्योंकि ये टीम पर 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करने देती है दूसरी टीम को, वो भी एक बेहतर टीम को, हल्की टीम के सामने थी टीम गोल तक कंसीड नहीं करती और मैच को विन या ड्रॉ खेल लेती है। अब बात करें जो पिछला मैच हैनान ने, मतलब शंघाई पोर्ट ने खेला, वो है कैंगझाओ के सामने, और जो कि डिफेंसिव मैच ड्रॉ खेला गया, और उसे मुकाबला फिर तियाजिन के सामने 1-0 से विन की, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला, और उससे पिछले मुकाबले टीम 2-0 से मैच को विन किए है। तो रिसेंटली इस टीम ने 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में इस टीम ने डिफेंस से सिर्फ 1 गोल कंसीड किया। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम का डिफेंस तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन अटैक भी कहने के आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ये टीम पर 2 मैच में 1 गोल तो स्कोर कर ही देती है, और उससे भी मुकाबले टीम अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेले, और उससे भी मुकाबले वुहान एफसी के सामने 1-0 से मैच को लॉस भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए शंघाई का काफी शानदार है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो हैनान की जो पोजीशन है वो काफी सेफ है, और शंघाई की पोजीशन थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है। और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैनान इस टीम
टीम शाओ ने अभी तक कोई भी मैच विन नहीं किया, ना ही कोई ड्रॉ खेला, बल्कि शांघाई ने सारे के सारे मैच में टीम शाओ ने विन भी किया है और प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है। और रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैनान का जो परफॉर्मेंस है वो 50-50 देखने को मिलता है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। और शांघाई का जो परफॉर्मेंस रिसेंटली वो काफ़ी शानदार है, अटैक भी और डिफेंस भी। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में हल्की सी फेवरेट टीम शांघाई पोर्ट देखने को मिलेगी। लेकिन ये मैच हैनान का होम में है और जो टीम चाइनीज लीग में अपना होम में खेलती है तो वो जल्दी से मैच को लॉस नहीं करती, या तो ड्रॉ खेलती है या विन करती है। लेकिन आज का क्या रिजल्ट रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो फाइनल गाइस अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस मुझे लगता है कि इस मैच में हैनान एक गोल कर देगी। क्यों? क्योंकि हैनान जब भी टीम के सामने खेले अटैक से मैच में गोल स्कोर की ही है, और शांघाई भी इस मैच में मुझे लगता है कि एक गोल आराम से स्कोर कर देगी। तो इसलिए मैं अपना इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-1 ड्रॉ, और 1-1 ड्रॉ के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्रीम टीम क्रिएट करूंगा ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं हैनान के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे शांघाई पोर्ट के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैनान के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और इस मैच की 10 ग्रैंड लीग टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो का टॉप का कमेंट और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सीधे मुद्दे के, प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं हैनान टीम के प्लेयर्स के बारे में। और हां दोस्त, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी शानदार है। अगर आप इस मैच में 20 टीम के साथ खेल रहे हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि कम से कम 10 टीम फेवर आप शांघाई को भी कर सकते हो, क्योंकि शांघाई रिसेंटली डिफेंस से भी और अटैक से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और 10 टीम आप हैनान की तरफ से बना सकते हो, क्योंकि हैनान अपना होम में खेलेगी और रिसेंटली होम में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसीलिए मैं हैनान को बैक कर रहा हूं, लेकिन आज के मैच में कोई सी भी टीम मैच को विन करती है। तो बात करते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितने असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं तो गाइस हैनान की टीम की तरफ से आपको इस प्रकार की लाइनअप देखने को मिलेगी इस मैच में, जो कि इस टीम का फॉर्मेशन रहेगा 5-2-1। 5-2-1 के साथ ये टीम अपने फॉर्मेशन में खेलेगी और 5 डिफेंडर आपको इस टीम की ओर से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो इस टीम का जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस रहेगा वो कितना शानदार रह सकता है इस मैच में। लेकिन जो डिफेंस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहाँ से पिना, आप जानते हो कि यार ये ला लीगा कप खेल चुका है, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनको पिक करना थोड़ा सही रहेगा। और यहाँ से सुनजिंग भी काफ़ी शानदार प्लेयर है, हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैं चाइनीज लीग के 3 प्लेयर खेलेंगे इस मैच में, तो इनको मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। मानता हूँ एस यंग ने प्रीवियस मैच में गोल किया, लेकिन आज के मैच में कोई जरूर नहीं कि इसका गोल आए। ओके, लेकिन एड्रियन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा यहाँ से, तो एड्रियन को भी आप पिक करके जरूर चलना, क्योंकि एड्रियन एक ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के भी डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है। ओके, फिर यहाँ से सुनजिंग या आप थॉमस पिना, इन दो में से कोई एक को ही पिक करना, जो आपको सही लगे उसको पिक कर लेना। और दोनों टीमों के गोलकीपर इस मैच में बराबर के टेस्ट होंगे, तो जो चाहे आप पिक कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने निकल कर आएगा योंग जोंग, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये डिफेंसिव वर्क कर लेता है, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा अपनी टीम में। तो इस टीम की तरफ से जो पेनल्टी लेगा वो यहाँ से एड्रियन मिर्जे कविश्की, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि काफ़ी डिफेंसिव अच्छा वर्क कर लेता है, तो इनको पिक करना बनता है। तो हैनान की तरफ से जो टॉप हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल के टाइम पर फर्नांडो कैरांगा, अगर खेलेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 6 गोल कर चुका है और 1 असिस्ट निकाल चुका है। हैनरिक डोराडो जो कि 5 गोल और 4 असिस्ट निकाल चुका है, ये भी काफ़ी शानदार प्लेयर है। अगर ये दो प्लेयर नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस मैच में शांघाई भी जीतती नज़र आ सकती है। लेकिन ह्वांग जीचेंग इस टीम तरफ से 4 गोल 4 असिस्ट, और फिर यहाँ से एड्रियन है 2 गोल 6 असिस्ट, जो कि डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेता है। बाकी यहाँ से सुनजिंग जिसने 1 असिस्ट किया इस टीम के लिए, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी सभी प्लेयर्स ने इतने गोल किए हैं वो आपके सामने मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो आप इनका रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ जो टॉप क्लास प्लेयर है इनको तो आप पिक करके चलना। देखो इनमें से कोई आपको 3 ही प्लेयर खेलते नजर आएंगे, जो 3 खेलेंगे उनको आप पिक करके चल देना। ओके, अब बात करते हैं जो सेकंड टीम, उसके जो लाइनअप है और उसके जो प्लेयर स्टेट्स है उसके बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना कि आप वहां से जुड़ जाना, उस मैच में इस मैच की फाइनल टीम भी वहीं पर मिलेगी। तो शांघाई पोर्ट की जो फॉर्मेशन रहेगी इस मैच में 4-2-3-1 की पोजिशन रहेगी, और फॉर्मेशन काफ़ी शानदार इसकी भी, अटैक से भी है और डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेती है। तो आपको यहाँ पर 4 डिफेंडर देखने मिलेंगे, इन 4 डिफेंडर को आप चाहे तो पिक कर सकते हो, क्योंकि 4 डिफेंडर का डिफेंसिव नंबर भी अच्छा रहेगा। और गोलकीपर मैंने आपको बता दिया, दोनों टीमों के गोलकीपर इस मैच में बराबर का टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप एक दोनों टीमों की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस मैच में गोल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से
जी वैंग को पिक कर सकते हो, फिर यहाँ से एच ली को पिक कर सकते हो क्योंकि ये दोनों प्लेयर काफ़ी डिफेंसिव वर्क कर लेते हैं। फिर यहाँ से एच झेंग है जो कि आपको ग्रांड लीग में ट्राई करना है, और काय को भी आप ग्रांड लीग में ट्राई करना है। तो यहाँ से हम झेंग को थोड़ा सा अटैकिंग पोजीशन खेलता है तो इसलिए पिक कर सकते हो। चेरिफ एंडिया इस टीम तरफ से एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा तो इनको पिक कर लेना। बाकी दो अटैकिंग मतलब तीन अटैकिंग प्लेयर इस टीम तरफ से, फैंग डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेता है, और वैन जू लियो इस टीम तरफ से पेनल टेकर भी, प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर है, तो आप इनको भी पिक करके जा सकते हो। लेकिन जो मेरे अनुसार जहाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर यही लाइनअप रही, चेरिफ एंडिया, वैन जू लियो, और यहाँ से आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एस ली, और यहाँ से हम नेक्स्ट पिक करेंगे जेड वी को। ओके, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये दो प्लेयर्स हैं, इन दो में से किसी एक को चूज करना, वो लाइनअप के बाद पिक करेंगे क्योंकि दूसरी टीम का डिफेंस भी देखा जाएगा कि वो टीम अपना डिफेंस में कितना तब्दील मतलब बदलाव करती है उसका अकॉर्डिंग। ओके, तो इस टीम तरफ से जो पेनल्टी लेगा चेरिफ एंडिया है जो कि रिसेंटली तुर्की लीग के लिए खेला था, इस सीजन ये इस लीग में आया है, तो प्लेयर काफ़ी शानदार है। तो शंघाई पोर्ट की तरफ से जो प्लेयर्स का रिकॉर्ड है वो आपके सामने है, चेरिफ एंडिया ने इस टीम की तरफ से रिसेंटली 5 गोल किए हैं। फिर यहाँ से लियो वेंजुन जो कि प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर है, फिलहाल टाइम पर भी सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है। फिर यहाँ से हुआ चेंग झेंग इस टीम तरफ से 1 गोल, फिर यहाँ से फेंग जिन जो कि 1 गोल और 3 असिस्ट निकाल चुका और डिफेंसिव वर्क भी निकाल लेता है। ओके, फिर यहाँ से लियो जुरून है 1 असिस्ट निकाल चुका, बाकी सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड सामने, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जो यहाँ टॉप क्लास प्लेयर है वो आपके सामने मैं फिर से बोल देता हूँ, ये एक टॉप क्लास प्लेयर है तो इनको पिक करके चल देना। अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखा है 1-1 ड्रॉ, और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए इस मैच जो हमारे शमोली टीम ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर। और अब शुरू होता है इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, गोलकीपर सेक्शन में आपके लिए बता दूं दोनों टीमों का अटैक अगर देखा जाए तो हैनान का अच्छा है, लेकिन डिफेंसिव वर्क देखा जाए तो शंघाई पोर्ट का अच्छा है, तो दोनों टीमें इस मैच में बराबर के गोलकीपर को टेस्ट कर सकती हैं। तो मैं अभी के लिए हैनान के गोलकीपर को पिक करना सही समझता हूं, लेकिन आपको अगर देखना है तो यहां से शंघाई पोर्ट के गोलकीपर को पिक करके जा सकते हो, लेकिन मैं सेफ जाना पसंद करूँगा। बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन से, तो डिफेंडर सेक्शन जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, यहाँ से सुनजीक है जो कि डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा निकालता है, पासेस इंटरसेप्शन इन सब का पॉइंट काफ़ी अच्छा निकाल लेता है। ओके, फिर यहाँ से लिन पैंग है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, असिस्ट भी कर लेता है और डिफेंसिव वर्क काफ़ी शानदार इसका, तो इनको भी हम पिक करके अपनी टीम में जरूर चलेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आती है ली एंग जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको कहीं ना कहीं असिस्ट भी निकाल के दे सकता है और डिफेंसिव वर्क तो इसका काफ़ी शानदार है, तो इसलिए मैं इनको भी पिक करना सही समझता हूँ। बाकी यहाँ से और डिफेंडर ये भी खेलेंगे, लेकिन ये तभी पिक करना इन सबको तब आपको लगे ये मैच लो स्कोरिंग जाएगा, तब ये आपको डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा करके दे सकते हैं, वरना इनका इतना डिफेंसिव नंबर बेहतर नहीं है, तो इसलिए मैं इनको सभी को ड्रॉप करके गया हूँ। बाकी यहाँ पर जितने ऑप्शन बचे हुए हैं तो मैं ज़्यादा से नहीं करूँगा, लेकिन दिल मोरियत है जो कि एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है और इसने 1 गोल 1 असिस्ट रिसेंटली निकाला हुआ है। ओके, बाकी किसी भी प्लेयर को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बात करें मिडफील्ड सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए यहाँ से वो है एड्रियन, इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, बिना गोल के डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता, तो इनको पिक करना मेरे लिए बेहतर है। फिर यहाँ से ऑस्कर है, अगर ऑस्कर आज इस मैच में खेलता है तो ये टॉप क्लास प्लेयर है, मैं आपके लिए बता दूँ टॉप क्लास प्लेयर है, ये इस टीम तरह से पेनल्टी मिलेगा, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मैं अभी के लिए ऑस्कर को पिक कर चलता हूँ, एड्रियन को पिक कर चलता हूँ। फिर यहाँ से फेंग जिंग है, इनको भी पिक कर लेता हूँ क्योंकि 1 गोल 3 असिस्ट निकाल चुका। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन जहोंग है, जहोंग को पिक कर सकते हो, वैंग डिफेंसिव वर्क करता है, और बाकी यहाँ से वैन चाउ डिफेंसिव वर्क करता है, और यहाँ से मुझे पर ओनली ऑन डिफेंसिव परफॉर्मेंस करता है। बाकी यहाँ से पिना है, अगर खेलेगा तो इसका डिफेंस थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा, लेकिन इसका असिस्ट और गोल आने का बहुत कम चांस रहते हैं, सिर्फ 15-20 पॉइंट देगा, उससे ज़्यादा आपको देख रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा नहीं। बाकी यहाँ से जितना और भी प्लेयर्स हैं, मैथिस वर्गास है, आप जानते हो यार तुर्की लीग में प्रीवियस सीजन ये खेला हुआ और वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन खेलने का चांस थोड़े से कम है। फिर जुरून है जो कि गोल असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट रहा है, बाकी मैं किसी भी प्लेयर को अभी के लिए आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, बात करें यहाँ सेंटर फॉरवर्ड जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, चेरिफ एंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से लू वेंजुन इस टीम तरफ से प्रीवियस सीजन का टॉप बेस्ट प्लेयर है, सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल टाइम पर है। फिर यहाँ से फर्नांडो कारंगा जो कि रिसेंटली इस टीम तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं यहाँ से डोराडो जो कि क्लास प्लेयर है, लेकिन प्रीवियस मैच में खेला नहीं, तो मुझे लगता है कि आज भी नहीं खेलेगा, लेकिन टॉप हाईएस्ट गोल टेकर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, तो यहाँ जो मैं टॉप प्लेयर है उनको ही पिक करना सही समझता हूँ। बाकी यहाँ जितना और प्लेयर बचे कुचे हैं इनको मैं ड्रॉप करके रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इनका खेलने का चांस थोड़े से कम ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए सबको ड्रॉप किया है। ओके, तो लेकिन एक नेक्स्ट ऑप्शन है जो शंघाई पोर्ट की तरफ से ऑल टाइम बेहतरीन प्लेयर है, वो यहाँ से
डब्ल्यू ली ये टॉप क्लास प्लेयर है, ये कभी कभी पेनल्टी भी लेता है, कभी कभी नहीं अधिकतर पेनल्टी लेगा, ऑस्कर नहीं खेलेगा तो यही पेनल्टी लेगा, तो इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने काफ़ी शानदार है लेकिन डोराडो, लेकिन किसके रिप्लेसमेंट हम इसको पिक करें वो लाइन आपके बाद ही पिक पता चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो मिडफील्ड में आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहे तो देखो डिफेंडर ले सकते हो, स्वाई को ले सकते हो सेफ जाने के लिए 92% सिलेक्शन है, फिर यहाँ से होंग लू को ले सकते हो 63% है। ओके, फिर यहाँ से आप सब मैं नेक्स्ट ऑप्शन जो दूंगा वो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है, श्योंग वैंग, जो कि बिना गोल के ये कम से कम इस मैच में भी आपको 25 या 30 प्लस पॉइंट देने की क्षमता रखता है, 20 प्लस तो पॉइंट कन्फर्म है इसके, ये क्योंकि डिफेंसिव वर्क इसका काफ़ी अच्छा रहता है, तो इनको पिक कर सकते हो, या आप फिर जोंग को पिक कर सकते हो क्योंकि सेफ पिक है, असिस्ट और गोल पोटेंशियल है इसके अंदर। बाकी आप ये चीज़ तो वीडियो में देखी होगी कि दोनों टीमों का डिफेंस मजबूत रहता है, चाइनीज लीग में सब जल्दी से गोल होते नहीं है, तो इसलिए मैं डिफेंसिव वर्क प्लेयर को पिक करके चलाऊँ। बात करें मेरी टीम का प्रीव इस प्रकार है, याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम है कैप्टन वाइस कैप्टन मेरी टीम में इस मैच में वीक लिए था, एड्रियन को तो कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन में थोड़ा सोच के गया हूँ कि अगर ऑस्कर खेलेगा तो मेरी टीम का ऑस्कर वाइस कैप्टन रहेगा, अगर ऑस्कर नहीं खेलेगा तो मैं यहाँ से करांगो बनाऊंगा, अगर करांगो नहीं खेलेगा तो चेरिफ इंडिया नेक्स्ट ऑप्शन आएगी। ओके, तो ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन मैं वीक लिए ऑस्कर को वाइस कैप्टन बना गया हूँ, तो कैप्टन मेरा एड्रियन, वाइस कैप्टन ऑस्कर, शायद मैं इनमें इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, कैप्टन ऑस्कर बना सकता हूँ, वाइस कैप्टन एड्रियन को बना सकता हूँ, लेकिन ये लाइनअप पर ही डिपेंड रहेगा। ओके, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस मैच के फाइनल 10 ग्रैंड लीग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल के लिंक टॉप के कमेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना, ओके टेक केयर।